तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कई बार जो है ये चीज़ डिस्कस की कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, आपका स्टैक में पुश हो जाता है। लेकिन एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेसिकली होता क्या है, उसमें टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं। ओके, लोकल वेरिएबल, टेम्पररी वैल्यूज, मशीन स्टेटस, एक्सेस लिंक, कंट्रोल लिंक, एक्चुअल पैरामीटर और रिटर्न लिंक, टोटल 7 फील्ड होती हैं। जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होगा इमीडिएटली उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएंगे। और जैसे ही वो आपका फंक्शन इवेलुएट होके मतलब कैलकुलेट कर चुके होंगे वो क्या होगा, वो वहाँ से पॉप हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो कुछ भी होगा, देखो जो कुछ भी ये सारे 7 एंट्रीज होंगी वो कहाँ होंगी, लेट्स सपोज ये आपका कोड था और यहाँ गया आपका स्टैटिक वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ओके, इधर गया आपका स्टैक होता था जो इस तरीके से ग्रो हो रहा है, और यहाँ गया आपका हीप है जो इस तरीके से ग्रो हो रहा है। फाइन, तो जो कुछ भी होना है वो कहाँ होगा, आपका स्टैक में ही होगा, ये जो स्टैक एरिया है उसमें। तो सबसे पहले क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके, उसके बाद इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, देखो सबसे पहला क्या आपका लोकल वेरिएबल। तो और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा उससे पहले मतलब फंक्शन कॉल होने से पहले जो कुछ भी आपकी ये एंट्रीज होगी बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज स्टोर होंगी, मोस्टली इसमें नल होंगे, हो सकता है लेकिन सारी वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सारी वैल्यूज जो है चेंज होती रहेंगी। फाइन, अब देखो सबसे पहला क्या आपका लोकल वेरिएबल होल्ड्स द डेटा दैट इज लोकल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। लेट्स सपोज कोई एक आपका फंक्शन है, ये एक फंक्शन है यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ आपने लिख दिया इंट एक्स विच इज इक्वल्स टू 10 इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो अब देखो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। तो इसका मतलब ये स्कोप का मतलब इस किसकी बात हो रही, फंक्शन ए की। तो एक्स जो होगा वो फंकशन ए के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका लोकल वेरिएबल होगा। ग्लोबल दूसरा क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, स्टैटिक एरिया में, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं स्टैक में। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, इसीलिए इसमें कोई भी एंट्री आपकी ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। जब भी फंक्शन कॉल होगा उससे करस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड होगा मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड, वो स्टैक एरिया में जाएगा, इसलिए हम यहाँ ग्लोबल वेरिएबल को नहीं मेंशन किया, सिर्फ लोकल। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो एंट्री होगी वो यहाँ आएगी, तो एक्स क्या होगा, ए के लिए लोकल वेरिएबल होगा। तो ये भी एंट्री उसमें स्टोर होती है। नेक्स्ट, टेम्परेरी वैल्यूज। अब लेट सपोज टेम्परेरी वैल्यू का मतलब ये हुआ, यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेशन है एक्स विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी स्टार सी फॉलोड बाई सेमी कॉलन। क्या मतलब टेम्परेरी वैल्यूज का, अब लेट सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अगर इसको रीड डाउन करें, स्टोर द वैल्यू दैट अराइजेज इन द इवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो हमने ये अज्यूम कर लिया एक एक्सप्रेशन है, अब इसको अगर हमें इवेल्युएट करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्टार सी कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम ए में ऐड करेंगे, फिर एक्स में इसको स्टोर कर देंगे। लेकिन जब हमने बी स्टार सी कैलकुलेट किया तो उसको हमें कहीं ना कहीं टेम्परेली स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेम्प्ररी वेरिएबल। लेट्स सपोज टी वन विच इज इक्वल्स टू बी स्टार सी। तो जैसे ही कोई टेम्प्ररी वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, इस एरिया मतलब इस एंट्री में वो आपका स्टोर हो जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, जब कोई इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा तभी, अदरवाइज वो उसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। फाइन, नेक्स्ट मशीन स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट है। मशीन स्टेटस का मतलब इट होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द मशीन जस्ट बिफोर द फंक्शन कॉल। ओके, लेट मी एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये एक प्रोग्राम है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स विच इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ, लेट सपोज सब्ट्रैक्शन यहाँ कॉल हो और इसके यहाँ एक आपका वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है फॉर एग्जाम्पल। ओके, और ये आपका प्रोग्राम लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ एंड सो ऑन, ये पहुंच गया लाइन नंबर 100 और आगे क्या है आपका 101 ये लाइन, उसके बाद ये सारी लाइन यहाँ बढ़ रही है। फाइन, तो ये क्या होल्ड करेगा मशीन स्टेटस, कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ उससे पहले की सारी इन्फॉर्मेशन वो रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो जहाँ ये डिफाइन है, लेट सपोज यहाँ ये डिफाइन है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए और बी की जो भी वैल्यू आ रही है वो लेट सपोज एक्स और वाई में स्टोर हो रही है, इंट एक्स इंट वाई। ओके, सिंटैक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ समझना। लेट सपोज ये आपका 200 एड्रेस पे है, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा जंप करके यहाँ आएगा, कंट्रोल यानी क्या होगा, कंट्रोल यहाँ से यहाँ जंप होगा और वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वापस ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। तो अगर इसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी फंक्शन कॉल से पहले कि अच्छा कि भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होना है, तो जब ये कॉल होके वापस आएगा यहाँ पे, इवेलुएट होके जब फंक्शन कॉल फिनिश हो गया है यहाँ वापस आएगा, तो उसको पता ही नहीं होगा कि नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए मशीन स्टेटस क्यों रिक्वायर्ड है, कि जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ इमीडिएटली, अच्छा
तो क्या होगा, मशीन स्टेटस में जो फील्ड है उसमें ये पता है कि अच्छा इस टाइम कहाँ कॉल हुआ, जब 100th लाइन में थे। तो इसका मतलब ये कि जब ये इवेलुएट होगी वापस ये रिटर्न होगी वैल्यू, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो वो कहाँ से पता चलेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है इंटरनली मशीन स्टेटस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। तो इस मशीन स्टेटस फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोग्राम काउंटर। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ उससे पहले के कि स्टेटस में जो कुछ भी था वो वहाँ स्टोर हो जाए, ताकि जब रिटर्न हो तो यहाँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। फाइन, एक्सेस लिंक कंट्रोल लिंक को हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेंगे और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस पूरे सातों फील्ड में यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या, एक्चुअल पैरामीटर। फाइन, ये एक्चुअल दो तरह के पैरामीटर होते हैं बेसिकली, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर। अब यहाँ एग्जाम्पल यही लेते हैं, लेट सपोज यहाँ हमने क्या किया, और ये इंट ए यही डिफाइन है, इंट ए लेट सपोज विच इज इक्वल्स टू 10 और 20 और इंट बी विच इज इक्वल्स टू लेट सपोज 10 है, ये डिफाइन है यहीं पे। तो क्या होगा, मतलब ये ए और बी यही दोनों सेम चीज़ है। तो जैसे ही हमने क्या किया, ये फंक्शन कॉल किया, तो इसको हमने क्या किया, दो पैरामीटर दिए ए और बी। ये जो पैरामीटर वैल्यू यहाँ आएगी और एक्स और वाई में स्टोर होगी, तो यहाँ जो हमने पास किया इसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और यहाँ जो हमने लिखा इस फंक्शन में जहाँ ये डिफाइन है इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। तो ये भी आपका जो होता है स्टैक एरिया में एक्टिवेशन रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। फाइन, नेक्स्ट क्या, रिटर्न वैल्यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन कॉल। जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया, यही एग्जाम्पल फंक्शन कॉल किए, तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा जंप होके कंट्रोल यहाँ आएगा और ये कुछ इसने इवेलुएट किया, तो इसकी वैल्यू लेट सपोज यहाँ से रिटर्न हो रही है, रिटर्न लेट सपोज जेड लिखा हुआ, जेड विच इज इक्वल टू एक्स माइनस, सिंटैक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो एक्स और वाई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर इसमें आ गई और जेड क्या हो रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। तो जेड लेट सपोज यहाँ पे 20 माइनस 10 यहाँ आके वैल्यू आ जाएगी, वो कहाँ स्टोर होगी, एक्स में। तो वो कौन, रिटर्न वैल्यू इज नथिंग बट टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन कॉल, वो किस फील्ड में होगा आपका, रिटर्न वैल्यूज में। तो ये था बेसिकली लोकल वेरिएबल टेम्प्रेरी वैल्यू मशीन स्टेटस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, प्रोग्राम काउंटर, जो कि फंक्शन कॉल जब फिनिश हो जाएगा तो जैसे ही आएगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होगा। एक्सेस लिंक कंट्रोल लिंक अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, ये एक्चुअल पैरामीटर हो गया, रिटर्न वैल्यू जो यहाँ रिटर्न होकर स्टोर है वो रिटर्न वैल्यू। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सेस लिंक और कंट्रोल लिंक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सब देखते हैं एक्सेस लिंक और कंट्रोल लिंक। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ये एग्जाम्पल आपका गेट 2012 में पूछा गया है। ओके, उसमें चार ऑप्शन थे, पूछ रहा है कौन सा सही है। तो देखो, ये आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है छोटा सा, मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट है यहाँ एंड है, और इसमें बहुत सारे फंक्शन डिफाइन भी है और बहुत सारे फंक्शन कॉल हो रहे हैं। क्वेश्चन में क्या मैंशन है, कंसिडर द फॉलोइंग कॉलिंग चेन, मतलब इस सीक्वेंस में ये कॉल हुआ, तो मैंने इसको इस तरीके से डायग्राम ऑप्शन में भी इसी तरह दिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसका एक्सेस लिंक हर एक फंक्शन का क्या होगा, कंट्रोल लिंक क्या होगा। तो सबसे पहले एक्सेस लिंक देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। लेट सपोज हमें कैलकुलेट करना है इस तरीके से, बॉटम अप चलते हैं, कैसे भी कैलकुलेट करते हैं A1 का एक्सेस लिंक का क्या होगा। तो बस जाएंगे इस प्रोग्राम में और देखेंगे कि A1 कहाँ डिफाइन है। तो देखो, A1 की डेफिनेशन यहाँ है, वो किस फंक्शन में, मेन है। तो A1 का जो एक्सेस लिंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मेन। सिंपल, उसका लिए हमें देखना है ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, उसकी डेफिनेशन कहाँ पर, किस फंक्शन में है। तो A1 मेन में डिफाइन है, दैट्स इट। A21 कहाँ है, यहाँ पे, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कोई अगर सेमी कॉलन तो फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर नहीं है तो वो क्या हो रहा है, डेफिनेशन, ये आपका स्कोप है। A21 कहाँ डिफाइन हुआ, A2 में, ये क्या हो जाएगा आपका, A2। बहुत ही सिंपल है, बस खाली समझना है किस तरीके से सॉल्व करना है। A2 की डेफिनेशन यहाँ पे, ये कहाँ पे है आपका, मेन फंक्शन में, ये क्या हो जाएगा, मेन। A1 कहाँ डिफाइन है, A1 तो निकाली चुके हैं, मेन। ओके, और मेन के लिए हमेशा क्या होगा, नल होगा, क्योंकि मेन कहीं हमने डिफाइन नहीं किया। फाइन, तो इसको इस तरीके से एरो के भी फॉर्मेट में दिया हुआ कि अच्छा भाई A1 का क्या होगा, ऐसे ये दिया हुआ, यानी मेन होगा। A21 का क्या है आपका, A2 है, तो इस तरीके से दिखा दिया है, मतलब A21 का A2, और A2 का क्या है, मेन है, तो ये इस तरीके से यहाँ दिखाया है। A1 का भी मेन है, तो इस तरीके से एरो का मतलब, मतलब एरो के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं और वैल्यू भी यहाँ लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही। अब आते हैं कंट्रोल लिंक, ये भी इंपॉर्टेंट समझ।
मेन फंक्शन का कंट्रोलिंग। तो मेन फंक्शन देखो कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे कॉल हुआ है A1, इसे कंट्रोलिंग क्या हो गया आपका A1। फाइन, मतलब यहाँ ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। A1 में कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, A1 में फंक्शन कौन सा कॉल हुआ है A2, तो ये क्या आ जाएगा आपका A2। A2 में कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, A2 में A21 कॉल नहीं हुआ, ये डेफिनेशन है A21। अच्छा, डेफिनेशन भी कॉलिंग भी दोनों सेम ही है, तो A21, A2 का क्या आ जाएगा A21। ओके, A21, A21 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा कॉल हो रहा है A1, A1 हो गया। A1 कहाँ पे है, A1 यहाँ, इसमें A2 कॉल हो रहा है, ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये देखना है कि भाई इस पर्टिकुलर फंक्शन में कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, कंट्रोल लिंक, मतलब यहाँ से कहाँ जा रहा है नेक्स्ट। तो मेन में आए तो सबसे पहले क्या आ रहा है आपका A1 कॉल होगा, तो इसके लिए कंट्रोल लिंक ये हो जाएगा। A2 के लिए कंट्रोल लिंक कौन सा है, A21 है, A2 के लिए A21, यानी उस पर्टिकुलर फंक्शन में कौन सा कॉल हुआ। यहाँ पे क्या था आपका, जस्ट इसके अपोजिट, अपोजिट नहीं मतलब सिंपल की भाई, अच्छा A1 है यहाँ पे, तो A1 का एक्सेस लिंक कहाँ है, तो अब जाएंगे यहाँ पे देखेंगे A1 यहाँ पे, अच्छा A1 कहाँ डिफाइन है, मेन के अंदर, यहाँ कौन सा फंक्शन कहाँ, यहाँ डेफिनेशन देख रहे हैं, यहाँ कॉलिंग देख रहे हैं। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि अच्छा भाई एक्सेस लिंक और कंट्रोल लिंक, बहुत ही सिंपल है। इस एग्जांपल को आप केयरफुली अगर एक बार और इसको देखेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर आ जाएगी, या तो आप एरो के फॉर्म में समझिए या लिख दें, बात एक ही है। तो ये था आपका रन टाइम एनवायरनमेंट के करस्पॉन्डिंग, जो लास्ट टॉपिक था एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो इससे हम लोग मेनली जो है इसमें इन दोनों मतलब इन सातों फील्ड में यही दो इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। ओके।